हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आजकल बहुत लोगों को ऐसे भी दिक्कत होता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, इसके बारे में कुछ बात आप लोगों को बताने वाला हो इस वीडियो पर। और इस वीडियो पर आप लोगों को जानकारी देने वाला हो नोटी बॉय डेली स्प्रे के बारे में, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका साइड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं, तो पूरा जानकारी मिलेगा इस वीडियो पर। चाहो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। आजकल क्यों इतना इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देने वाला होगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं हर मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाता हूँ। और कोई मेडिसिन या कोई स्प्रे के बारे में आप लोग पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर जो नोटी बॉय डेली स्प्रे है, इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 180 रुपीज़। आप लोग चाहे हो तो ऑनलाइन से इसको ले सकते हो और मेडिसिन शॉप से इसको ले सकते हो, इसको खरीद कर सकते हो। और इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन डाला गया है, काफ़ी बेहतर कॉम्पोजिशन डाला गया है। जैसे कि इसके अंदर डाला गया है लोडिकाइन 10% डाला गया है, और अल्कोहल 10% डाला गया है, और प्रोपेलेंट 100% डाला गया है। तो इसके बारे में जानने से पहले आप लोगों को कुछ बात बताता हूँ वार्निंग के बारे में। जैसे कि मान लो आजकल क्यों इतना लोगों को होता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होता है और टाइमिंग की कमी होता है, इसके वजह क्या होता है, तो ये पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होता है, और इसके वजह से सेक्स लाइफ गर्भात हो जाता है। आप लोगों को ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। आप लोगों से मेरा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे गलती मत करेगा। दूसरी बात, जैसे कि आजकल बहुत ऐसे लोग गलती करते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं। अगर आप लोग हस्त मैथुन करते हो तो अभी छोड़ दीजिएगा, अभी छोड़ सकते हो, बाद में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पछतावेगी, बहुत पछताना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो दोषीज आप लोगों को बताया है, ऐसे गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं नोटी बॉय डेली स्प्रे के बारे में। दोस्तों पहले जानते हैं इसके बारे में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों को सेक्सुअल उत्तेजना बिल्कुल नहीं होता है उसमें भी यूज़ होता है। दूसरी कंडीशन, जिन लोगों को पेनिस पर इरेक्शन नहीं होता है, बहुत लोगों को ऐसे होता है जैसे कि पेनिस पर इरेक्शन नहीं होता है, उसमें भी यूज़ होता है जो नोटी बॉय डेली स्प्रे। तो आइए जानते हैं इसका कुछ फ़ायदे के बारे में, क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसको लेते हो, अगर आप लोग इसको खरीद करते हो तो क्या क्या फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को टाइमिंग की बहुत ही ज़्यादा कमी है, या मान लो जल्दी ही जल्दी निकल जाता है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट फ़ायदा होगा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी फ़ायदा, जैसे कि मान लो जिन लोगों को पेनिस पर इरेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल इरेक्शन नहीं होता है, उस बंदा इसको यूज़ करे तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरी फायदा इसका, जैसे कि मान लो जिन लोगों को सेक्सुअल उत्तेजना नहीं होता है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, कैसे आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, कैसे लगाना चाहिए। देखिए, आप लोग संभोग करने से 10 या 15 मिनट पहले आप लोगों को 2 से 3 बार स्प्रे करना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है, बाद में आप लोग संभोग कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, अगर आप लोग लेते हो तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर साइड इफेक्ट हो गया आप लोगों को तो ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे कि पेनिस पर बहुत ही ज़्यादा खुजली वगैरह हो सकती है, या कुछ दाना या चक्का निकल सकता है, ठीक है। तो कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी स्प्रे लेने से पहले एक बार आपका डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले, बाद में मेडिसिन यूज़ करें या स्प्रे यूज़ करें। तो कोई भी दवा यूज़ करने से पहले डॉक्टर के सलाह ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हो,
हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।